तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर जो है वो बनाना है। तो इसको अब हम लोग डेली लॉ कोड के अनुसार से डेली लॉ कोड के बेसिस पे एक कोड तैयार करेंगे, जिसके अनुसार पे आप लोग जो है एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि आखिरकार ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर जो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग का जो ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर है वो हम लोग कुछ ऐसा रोड पर लगाए जहां पर एक मेन हाईवे है। तो मेन हाईवे का रोड आप देख रहे होंगे थोड़ा चौड़ा है और बाकी जो दूसरे तरफ का जो रोड है वो थोड़ा पतला है, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो गाड़ी जा रही है वो इसी हाईवे के थ्रू जा रही है बार बार हमेशा, और बीच बीच में कुछ गाड़ी इधर से आ रही है। जब कुछ गाड़ी इधर से आएगी कंट्री रोड से तो उस समय के लिए हाईवे का जो सिग्नल है वो बंद हो जाएगा और कंट्री रोड वाला सिग्नल में जो है ग्रीन लाइट जल जाएगा, जिसके कारण इधर की गाड़ी जो है वो इजिली पास हो जाएगी, और जैसे ही ये पास हो जाएगी तो उसका फिर से या कंट्री रोड वाला जो लाइट है ट्रैफिक लाइट है वो फिर से रेड हो जाएगा और मेन हाईवे की लाइट ग्रीन हो जाएगी। तो उसके कारण मेन हाईवे के जो लोग हैं वो लोग आसानी से जा सकते हैं। तो कुछ बात का यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे कंट्री रोड से जब मेन हाईवे का जो सिग्नल को रेड ग्रीन ब्लू इसम रेड ग्रीन और येलो जो करना है उसके बीच में कुछ ना कुछ डिले होना चाहिए, ताकि एक गाड़ी जब चल जाए तो उसके बाद वो बीच में जो है उस डिले में जैसे येलो के बाद जैसे ही आपका ग्रीन चल रहा है तो उस डिले के बीच में वो इजिली पास हो जाए। तो इसी चीज को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फाइनाइट स्टेट मशीन हम लोग इसको जो बनाएंगे एफएसएम की हेल्प से बनाएंगे। तो एफएसएम की हेल्प से जब हम बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को एफएसएम डायग्राम बनाना होता है। तो जैसे आप मेन काम आपका पहला काम तो आपका एफएसएम डायग्राम ही बनाना है, अगर आप इजिली इसके बना लेते हैं तो आपका आधा काम यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि एफएसएम डायग्राम हम लोग कैसे बनाए हुए। तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइव स्टेट लिया है। तो फाइव स्टेट में एस नॉट स्टेट जो है वो डिफॉल्ट स्टेट है, यानी कि एस नॉट स्टेट में मेन हाईवे की जो है वो हाईवे की जो लाइट है वो ग्रीन में रहेगी और कंट्री की जो रहेगी वो रेड में रहेगी, यानी कि कंट्री की जो तरफ से जो सिग्नल है वो रेड में रहेगी और हाईवे वाली ग्रीन में रहेगी। ये डिफॉल्ट स्टेट है, यानी कि हमेशा यही रहेगी जब तक कि कंट्री रोड पर कोई गाड़ी ना आ जाए। तो ये आपका डिफॉल्ट स्टेट हो गया एस नॉट। तो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो दिस इज द सिग्नल, यानी कि एक्स जो है वो हम लोग का सिग्नल है, यानी कि जैसे ही जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर लिया कि कंट्री रोड में कोई गाड़ी आ चुकी है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वन जब हो जाएगा तो हमारा जो स्टेट है वो नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा, यानी कि एस नॉट से वो चला जाएगा एस वन में। एस वन में कुछ होगा नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई एस जीरो के केस में हाईवे जो है वो ग्रीन है और कंट्री रोड रेड है। तो एस वन के केस में आपका है जो हाईवे रोड हो गया वो हो गया येल्लो और कंट्री रोड अभी भी रेड है, यानी कि ग्रीन से ये हो गया येल्लो में चला गया, अब येल्लो से ये फिर रेड में चला जाएगा और कंट्री रोड अभी भी रेड में है। तो यहाँ पर अब जब रेड रेड दोनों हो चुका तो अब जो है एस थ्री स्टेट में कंट्री रोड की जो सिग्नल है वो हो जाएगी ग्रीन में, जबकि मेन हाईवे की जो सिग्नल है वो अभी भी रहेगी रेड में। तो ये एस थ्री स्टेट हुआ जिसमें कि आपका कंट्री रोड में जब कोई कार आ रही है तो उसके लिए ये सिग्नल यहाँ पर मिल गया कि एक्स इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर जो है अब एस थ्री जो स्टेट है वो कब तक रहेगी, जब तक कि कंट्री रोड में कोई ना कोई कार है तब तक वो सिग्नल एक्स इज इक्वल टू वन हमेशा वन रहेगी। तो वन रहेगी तो क्या होगा कि ये स्टेट जो है वो तब तक चलेगा जब तक कि कंट्री रोड में कोई ना कोई गाड़ी है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर से एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर कंट्री रोड में कोई गाड़ी नहीं है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सेंसर जीरो डिटेक्ट कर लेगा और इसके बाद स्टेट चला जाएगा एस फोर में। एस फोर में आपका देखिए रेड और येल्लो है, यानी कि हाईवे जो रहेगी वो रेड हो जाएगी और जो कंट्री रोड हो जाएगी वो येल्लो हो जाएगी, और उसके बाद फिर से आपका सेम स्टेट में चला जाएगा एस नॉट में, जहां पर फिर से मेन हाईवे जो है वो ग्रीन और दूसरे जो कंट्री रोड है वो आपका हो जाएगी रेड में। तो ये एफएसएम है, आप लोग इजीली समझ में आ गया होगा। अब ऐसे जो वेरी लॉग कोड लिखना है उसको एक बार समझ लेते हैं कि आखिरकार उसमें कौन कौन सी मेन चीजें हैं, फिर इस चीज को आप लोग को एक लैपटॉप में हम लोग रन करा के भी दिखाऊंगा कि आखिरकार किस तरह से काम कर रही है। तो चलिए पहले कोड में देखते हैं कि आखिरकार मेन कौन कौन सी बात है। तो पहली बात है कि ट्रू और फॉल्स जो आप देख रहे हैं, पहले तो आपको सारे को डिफाइन करना है, इधर जो भी आप देख रहे हैं वन टू थ्री इन सारे को पहले आपको डिफाइन करना होगा, क्योंकि ये सब मेन पैरामीटर है जिसको कि आप आगे चलकर कोड में यूज करने वाले हैं। तो चलिए जब इसको डिफाइन करने की बात आ रही है तो ट्रू फॉल्स मीन्स हम इसकी बात कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन, यहाँ पर दो ही सिग्नल है
मतलब एक ही मेन कंट्रोल यूनिट है जो कि एक्स है, जो कि सेंसर के थ्रू एक्स या तो जीरो हो रहा है या तो वन हो रहा है, यानी कि बिट हम लोग को जरूरत है वन बिट की। वन बिट में हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं जीरो और वन, तो यानी कि हम डिफाइन ट्रू को जब करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं वन डैश बी जीरो, और उसी तरह से वन डैश बी वन। तो इस तरह से आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आप जिस तरह से डिफाइन करेंगे, जैसे ट्रू के लिए आप वन कर दें और फॉल्स के लिए आप जीरो कर दें, तो ये आपका ट्रू फॉल्स जो है वो डिफाइन हो गया। अब आपको कलर जो है वो दिखाना है, कलर को आपको डिफाइन करना है, जो कलर से आप डिफाइन करेंगे मेन वही चीज आपका कोड में यूज होने वाला है। तो जब आपके पास तीन कलर है, ट्रैफिक लाइट में तीन कलर होता है, रेड येलो और ग्रीन, तो इसको हम लोग एक बिट से डिफाइन कर नहीं सकते, तो हम लोग को लेना पड़ेगा दो बिट। तो दो बिट से जब हम लोग लेंगे तो दो बिट लेंगे तो उसमें से हमारे पास चार कॉम्बिनेशन आएगा, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। अब हमारे पास कलर है तीन, रेड येलो और ग्रीन, तो इसमें से कोई भी तीन चीज आप उठा सकते हैं और उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हमने रेड के लिए चलिए हमने डिफाइन किया कि टू डैश टू इसलिए लिखे हैं क्योंकि दो बिट का है, टू डैश बी जीरो जीरो, क्योंकि ये बाइनरी की हम बात कर रहे हैं इसलिए जीरो जीरो, यहाँ पर डेसिमल की आप बात करके जीरो वन टू भी लिख सकते हैं। येलो है तो टू डैश बी जीरो वन, ग्रीन है तो टू डैश बी वन जीरो। आप इस तरह से ये लैपटॉप में जब आपको दिखाऊंगा तो आपको इजीली ये बड़ा बड़ा दिख जाएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा हो चुका है। और उसके बाद जब आप स्टेट डिफाइन करेंगे तो स्टेट हमारे पास कितना है, यहाँ पर हम लोगों ने फोर स्टेट को यहाँ पर डिफाइन किया, आप यहाँ पर फाइव स्टेट सिक्स स्टेट भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका जो रिक्वायरमेंट है वो कैसा है। यानी कि चलिए हमने यहाँ पर एस फोर के बाद डायरेक्ट हमने एस नॉट ले आया, आप यहाँ पर एस फाइव भी डाल सकते हैं जिसमें कि यहाँ से रेड येलो जो है वो डायरेक्ट हमने ग्रीन रेड में कर दिया, इसको आप डिले दे सकते हैं। तो डिले देने के बाद यहाँ पर आप एस फाइव या स्टेट भी घुसा सकते हैं, तो इसमें टोटल आपके पास फाइव स्टेट है, तो फाइव स्टेट की आपको चाहिए थ्री बिट की, फोर रहता तो टू बिट से काम चल जाता लेकिन मिनिमम आपको थ्री बिट चाहिए फाइव स्टेट के लिए। और अगर आप एस फाइव डालेंगे तो टोटल सिक्स स्टेट होगा, तो उसके लिए भी थ्री बिट में आपका काम हो जाएगा। तो स्टेट को डिफाइन करना है, तो स्टेट डिफाइन में आपको सेम डिफाइन पैरामीटर, और यहाँ पर आपको स्टेट के लिए थ्री डैश बी जीरो 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 या फिर जीरो वन जीरो, इस टाइप से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। कोड में आप लोगों को दिखाऊंगा उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा। फिर आपको डिले डिफाइन करना है कि बाय टू आर डिले कितना होगा, यानी कि बाय टू आर डिले ये कितना होगा और आर टू जी डिले ये कितना होगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बाई है, बाय टू आर आने में कितना डिले आप देना चाह रहे हैं, कितना ब्लॉक का डिले होगा, ये यहाँ पर आ रहा है, और आर टू जी यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप कितना डिले देना चाहते हैं, सेम यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखिए रेट टू डिश बाय टू जी, तो ये जो डिले है ये आपको डिफाइन करना है, तो यहाँ पर आप डिले डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो डिले का डेफिनेशन मेन चीज आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हर एक चीज को डिफाइन आपने कर लिया। अब आप जो है लिख सकते हैं कोड जिसमें कि आपको स्टार्ट करना है, पहले मॉड्यूल को डिफाइन करना है। तो हमने चलिए मॉड्यूल सिग्नल कंट्रोल नाम का एक मॉड्यूल लिया, उसके अंतर्गत हमने सारा इनपुट आउटपुट जो भी पोर्ट ऑफ सेंसर का जो सिग्नल है वो सारा हमने डिफाइन किया। अब इनपुट और आउटपुट पोर्ट यहीं पर आपको डिफाइन करना होगा, कौन कौन सा पोर्ट आपका इनपुट है, कौन कौन सा पोर्ट आउटपुट है, और जो आउटपुट पोर्ट होगा उसको आपको रजिस्टर के रूप में भी डिफाइन करना होगा, क्योंकि वो चीज जो है बिट पर स्टोर करने वाली है, तो वो रजिस्टर के रूप में भी डिफाइन होगा। यहाँ पर पोर्ट डिफाइन आपको करना है, लैपटॉप में आपको दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। उसके बाद आपको फिफ्थ स्टेटमेंट करना है कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट को आपको डिफाइन करना है, डिफॉल्ट आपके लिए क्या है, इट्स नॉट आपके लिए डिफॉल्ट है, वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपको डिफाइन करना है कि आपके का स्टेट जो होगा स्टार्टिंग में एस नॉट होगा एंड नेक्स्ट स्टेट वो भी एस नॉट ही होने वाला है। एंड केस स्टेटमेंट में फिर हम लोग देखेंगे कि आखिरकार नेक्स्ट स्टेट जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो ये जो डिफाइन है अभी स्टेटमेंट जो है इसमें आपको क्या करना है कि जितने भी आपके ये स्टेट्स हैं, अभी तो हमने सिर्फ एफएसए में ये सारी चीजें देखी है, लेकिन जब आपको इसको डिफाइन करना है तो आपको हरेक स्टेट को वेरी लॉग कोड में डिफाइन करना होगा कि जब स्टेट इस नॉट होगा तो इस नॉट स्टेट के लिए आप बिगिन और एंड दोनों के बीच में आप इसे रख सकते हैं, तो उसके बीच में आपको डिफाइन करना होगा कि इस नॉट के केस में क्या क्या होने वाला है, यानी कि हाईवे आपका जो होगा वो ग्रीन होगा, कंट्री रेड होगा, तो ये सारी चीजें आपको डिफाइन करनी होगी। एस वन के केस में क्या होगा, एस टू के केस में क्या होगा, ये आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और उसका मेन जो होता है वो कोड, तो कोड आप लिखेंगे सबसे लास्ट में, जिसमें कि आपको ये डिफाइन करना होगा कि आखिरकार एस नॉट के बाद चेंज होने के लिए हम कौन सा सिग्नल एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, तो एस नॉट जो है वो एस वन में जाएगा, फिर एस वन एस टू में जाएगा, वो किस तरह से आगे बढ़ेगा,
ये चीज आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये लिखा हूँ, यानी कि 7 मिनट में आपका ये पूरा चीज का वेरी लॉक कोड कंप्लीट हो जाने वाला है। तो इसको हम लोग देखते हैं लैपटॉप में, वहां पर आपको मैं रन करा के दिखाऊंगा, उसका लीजिए आप इस कोड को लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कोड है जो अभी हम लोग ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था उसका पूरा कोड यहाँ पर है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने ट्रू फॉल्स को डिफाइन किया, डिले को डिफाइन किया, फिर सिग्नल कंट्रोलर लिख के उसके अंतर्गत जो भी पोर्ट है वो सारे चीज़ों को हमने आउटपुट पोर्ट में, देखिए हम लोगों ने हाईवे कंटिन्यू रोड को आउटपुट बोर्ड में रखा है। रजिस्टर जो मैंने तो आपको कहा था कि आउटपुट में जो भी रहेगा उसको आपको रजिस्टर बनाना रहेगा, तो रजिस्टर में हम लोग हाईवे और कंट्री रोड को डाले हैं। और इनपुट सिग्नल हमारे पास सिर्फ एक है एक्स, जो कि 01 होगा। अगर कंट्री रोड में कोई गाड़ी आती है तो उसके अनुसार ये 01 होगा। फिर इनपुट हम दे रहे हैं क्लॉक और क्लियर। क्लियर जैसे ही देंगे यानी कि सारी चीज़ें जैसे पहले थी स्टार्ट में वैसे हो जाएगी, सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। और क्लॉक सिग्नल आप दे रहे हैं तो क्लॉक सिग्नल के बेसिस पे वो सारी चीज़ चेंज होंगी। अब हम लोग ने यहाँ पर डिफाइन किया रेड, येलो और ग्रीन, ये तीनों लाइट को हम लोगों ने डिफाइन किया। हम लोग वहाँ पर ब्लैक बोर्ड में आपको बाइनरी लेकर समझाया था, पर यहाँ पर आपका डेसिमल लेकर समझाया हुआ। आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, बी भी लिख सकते हैं और नहीं तो डेसिमल में आपको समझ आ रहा था आप डेसिमल भी रहने दे सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर हम लोगों ने डिफाइन की हुई थी। अब ऑलवेज स्टेटमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि पॉज एज क्लॉक, यानी कि हर पॉजिटिव एज क्लॉक पे ये सिग्नल हमारी जो वो चेंज होगी। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने डिफाइन किया हूँ कि अगर क्लियर होगा तो स्टेट जो है वो इस नॉट स्टेट में चला जाएगा, अगर और एल्स स्टेट जो है वो नेक्स्ट स्टेट में, नेक्स्ट स्टेट जो है वो स्टेट जा सकता है। ये चीज़ें हैं और डिपेंडिंग ऑन द केस स्टेटमेंट जो कि हम लोग आगे कोड में लिखेंगे। जैसे ऑलवेज एट द रेट स्टेट, यानी कि अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आखिरकार हर एक स्टेट में क्या क्या चीज़ें होने वाली, क्या क्या चीज़ चेंज होने वाली है, वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं एस नॉट स्टेट डिफॉल्ट स्टेट है जो कि हम लोगों ने ऊपर डिफाइन कर दिया है। उसके बाद आपका एस वन स्टेट है, तो एस वन स्टेट में हाईवे जो है वो येल्लो हो रहा है, बाकी कंट्री रोड जो है वो रेड ही रह रहा है। तो कंट्री जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्री रेड है, हमने इसको चेंज किया नहीं है, यानी कि ये वही रहेगा। आप यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं लेकिन वो कोड की लेंथ को आपकी जो है इंक्रीज करेगी, तो वो जरूरत है नहीं आपकी, तो उसे आप रहने भी दे सकते हैं। तो हाईवे फिर आपका एस टू स्टेट में हाईवे जो है वो रेड होगा, जबकि कंट्री अभी भी रेड में है, तो ये ऊपर वाले स्टेटमेंट यहाँ पर भी काम आ रही है। एस थ्री में क्या हो रहा है कि हाईवे रेड हो रही है, कंट्री ग्रीन हो रही है, इनकी दोनों चेंज हो रही है। तो आप इसे एस थ्री स्टेट में ये चीज़ें जो आप इंक्लूड कर दें, एस फोर स्टेट में भी आपका जो है सेम, और एस फोर के बाद आपका चला गया एस नॉट स्टेट में, तो वो आपको फिर यहाँ से वो डायरेक्ट वहाँ से चला गया। तो यहाँ पर आपका केस स्टेटमेंट खत्म हो गया, तो एंड केस हम लोगों ने कर दिया है। उसके बाद अब हमारा मेन सिग्नल, मेन जो कोड है वो यहाँ स्टार्ट है, यानी कि अब स्टेट और एक्स इन दोनों को वो देखना है एक सिग्नल के अनुसार पे, अब स्टेट को चेंज करना है। तो यानी कि एस नॉट जो है अगर उसमें एक्स इज इक्वल टू जीरो रहे तो आपका इफ एक्स, यानी कि यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 01 यहाँ पर मेंशन किया हुआ नहीं है, यानी कि ये जो चीज़ है इफ एक्स अगर कहीं पे लिखा हो रहा है इसका मतलब हो गया कि डिफॉल्ट एक्स इज इक्वल टू 1 को वो मान रहा है। तो अगर एक्स इज इक्वल टू 1 होगा तो नेक्स्ट स्टेट एस वन में चला जाएगा, नहीं तो एस नॉट में रहेगा। फिर एस वन में आपका क्या होगा, एस वन में कोई सिग्नल चेंज चेक करना नहीं है, वो डायरेक्ट डिले चेक करेगा, और डिले चेक करने के बाद एस टू स्टेट में चला जाएगा, फिर एस थ्री में, उसी तरह से एस फोर में। तो ये छोटा सा कोड था, यहाँ पर कोड खत्म हो गया। इसे हम लोगों ने सिमुलेट करता हूँ, तो सिमुलेट में रन भी है, सिमुलेशन करने के बाद जो डायग्राम आएगा वो देखिए वो कुछ इस टाइप से है। तो ये आपका, चूंकि अभी हार्डवेयर हम लोग के पास है नहीं तो हार्डवेयर में हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ये आपका जो है रन हो गया आ रहा है। इसको आपका सेम कोड को आप हार्डवेयर में रन करेंगे तो उसके अनुसार ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे क्लियर जब तक 1 है, जब तक क्लियर आपका 1 है तब तक क्लॉक का कोई असर इन लोग पे पड़ नहीं रहा, ये मेन सिग्नल है, और ये आपका कंट्री सिग्नल है। तो कंट्री में देखिए यहाँ पर 0 है और मेन सिग्नल आप देख रहे हैं कि 2 है, तो 2 यानी कि आपका जो डिफॉल्ट स्टेट है वो डिफॉल्ट स्टेट में अभी आपका ये मेन सिग्नल है और कंट्री सिग्नल अभी भी 0 स्टेट में है। तो उसके बाद अब जैसे ही क्लियर खत्म हुआ उसके बाद जब क्लॉक हम लोग दे रहे हैं, तो ये हम लोगों ने सिग्नल कंट्रोलर का जो इसका हम लोगों आप लोगों को जो कोड हम लोग प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर आपको इसका सारी चीज़ दिख जाएगी, और उसके अनुसार पे आप इसको कंट्री रोड और मेन सिग्नल रोड में कितने डिफरेंस के बाद आपको उसको कंट्री रोड में कार आ रहा है उसको, तो आपको जब हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में सिमुलेट कर रहे हैं तो वो आपको डिफाइन करना रहेगा। तो चलिए हम लोगों ने माना है कि कार ऑन कंट्री रोड, यहाँ पर ये देखिए कार ऑन कंट्री रोड जब ये 1 आ रहा है तो उस समय देखिए कंट्री सिग्नल जो है वो यहाँ पर ऑन हो रही है, यहाँ पर 2 आप देख रहे हैं ये ऑन हो रही है, और ये 0 आप देख रहे हैं कि ये ऑफ हो रही है।
बीच में ये जो है ये डिले है, पहले आपका यहाँ पर बाई टू आर डिले, फिर आर टू जी डिले, ये जो डिले है ये दोनों डिले होने होते तक कुछ इतना टाइम तक जा रही है, इतना क्लॉक पीरियड का वो डिले है। अब सारी चीज को कैलकुलेट करेंगे तो वो इतना आ जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ऑन हो गई और आपकी मेन सिग्नल बंद हो गई, और जैसे ही कंट्री रोड पे जो कार है वो अब जीरो हो गई, तो फिर से एक डिले के बाद से अब यहाँ पर देखिए ये 2-0 फिर हो गया, यानी कि अब मेन सिग्नल जो है वो ऑन हो गई और कंट्री सिग्नल अभी भी अब फिर से बंद हो गई। तो ये जो कोड हम लोगों ने है वो पूरी तरह सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो ये जो कोड है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से एक वेबसाइट में वो सारे चीज़ अपलोड रहेगा, आप वो कोड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो आप जो कंसेप्ट है, चाहे फिर यहाँ पर हमने एक आपको कोड भी दिखा दिया हूँ, तो आप इसके अनुसार से आप अपने से कोड लिख भी सकते हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे। और बाकी आपको जो भी कुछ इसमें अगर कुछ आपको दिक्कत लगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो उसके अनुसार पे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको उस कमेंट को फिर रिजोल्व कर